whether this this boy Shapnadeep died of ragging or not, whether it's a murder or not, police is investigating. There are several questions that are there, and the students are also raising questions. We have with us another first year student who has only done 3 days class. He was in the hostel and he had to actually leave the hostel. What happens in hostel, that we'll come to know from him. Arpan, you are a first year student, you were in the hostel, you had to leave the hostel. What happened, if you tell me from the very first? मेरा घर आसनसोल में है. आसनसोल से मैं आया हूँ. बचपन से ही काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में मैंने देखा है कि मतलब जादवपुर मेन हॉस्टल के बारे में लिखा हुआ है. जैसे जादवपुर मेन हॉस्टल क्वारंटाइन के टाइम जादवपुर मेन हॉस्टल काफ़ी हेल्प किया था. काफ़ी जगहों पर जहाँ पर बाढ़ आता है वहाँ पर जादवपुर मेन हॉस्टल हेल्प करने जाता है. फिर जब कोलेरा हुआ था कोलकाता में, तब जादवपुर मेन हॉस्टल रास्ते में आया था. तो इस तरीके से जादवपुर मेन हॉस्टल को सोसाइटी के सामने मैं देखा हूँ, रिप्रेजेंट किया है उसने अपने आप को. और साथ ही साथ जादवपुर मेन हॉस्टल का एक लीगेसी है, तो उसके वजह से मेरे अंदर एक काफ़ी रोमांटिसिज्म था जादवपुर मेन हॉस्टल को लेकर. जब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ तो मैं जादवपुर मेन हॉस्टल उसी दिन मैंने अप्लाई कर दिया था कि मेरे को उधर ही रहना है. और मेरा वहाँ पर ऑफिशियल एलोकेशन भी हो गया था. मैं गया, पर जब मैं गया तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब जो जादवपुर मेन हॉस्टल को रोमांटिसिज्म मैंने मतलब बचपन से रखा हुआ था अपने दिल के अंदर, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वो सैट दैट थिंग गॉट सैटर्ड. एक्चुअली मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि एक बच्चा जो कि काफ़ी दूर से यहाँ पर अपना एकेडमिक्स के लिए आया हुआ है, उसको हॉस्टल में रहने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि क्या थे वो रूल्स? जो कि सीनियर्स ने ही बनाए हुए हैं, कोई अथॉरिटी से चढ़ाया हुआ रूल्स नहीं है. जैसे कि बालों का लेंथ एकदम छोटा छोटा होना ताकि वो हाथ में पकड़ में ना आए. दाढ़ी ये सब पूरा पूरी तरीके से क्लीन सेव रहना चाहिए. हॉस्टल में हाफ पैंट में नहीं रह सकते हैं, पूरा दिन फुल पैंट में रहना पड़ेगा. पूरा फर्स्ट ईयर नया स्टूडेंट के लिए है ये बस फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट के लिए है, फॉर जब तक वो लोग सेकेंड ईयर में ना उठ जाए. फिर हॉस्टल 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक आपको घुस जाना पड़ेगा. अगर आप शाम के 6 बजे तक नहीं आ पा रहे हो, आपको लेट हो रहा है, तो बताना पड़ेगा सीनियर्स को, फ़ोन करके उनको लॉजिकली समझाना पड़ेगा, उनको रीजंस देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ पा रहे हो आप. रात के 11 से 2 बजे तक इंट्रो देना पड़ेगा हर. व्हाट इज़ दैट इंट्रो? इंट्रो बेसिकली अपने बारे में बताना, लेकिन वो किस तरीके से होता है मैं वो ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकता, वो डिस्कस करने के लायक है भी नहीं वो चीज़. पर वो होता है. वाज एनी सेक्सुअल थिंग आल्सो यू नो प्रैक्टिस्ड इन दैट वे? फिजिकली मेरे को फेस करना नहीं पड़ा है कुछ, लेकिन वर्बली काफ़ी जेंडर सेंसिटिव स्लैंग्स भी यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं वैसे. लेकिन फिजिकली मेरे को कुछ पर्सनली फेस करना नहीं पड़ा है. मैं 3 दिन जब तक हॉस्टल में था, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स देयर आर कोऑपरेटिव, काफ़ी अच्छे भी होते हैं, दे आर कोऑपरेटिव. बट हैंडफुल ऑफ सीनियर्स आर देयर जो कि मतलब इस अगर जो ये जो स्वप्नदीप कुंडू जो कि अब पैसा वैसा कुछ लेने की बात समथिंग एनीथिंग लाइक दैट देना पड़ेगा ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब जगह से एकदम क्लियर रहता है. पैसा वैसा लेने के बाद वो सब कुछ नहीं होता है. लेकिन बात यहीं पर है, अगर ये जो डेथ है अगर ये बेसिकली हुआ रैगिंग की वजह से अगर हुआ होगा, तो ये दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो कैन हैपन इन एन इंस्टीट्यूशन. तो इसी वजह से मतलब वहाँ पर मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर ओके, दे आर गुड, दे आर कोऑपरेटिव, बट कुछ हैंडफुल सीनियर्स है जो कि रैगिंग के इस चीज़. डिड यू लीव द होस्ट? मैंने जो जो रीजंस बताया इस सब की वजह से मैंने छोड़ा वहाँ पर. मैं जब घुसा था वहाँ पर तो मैं फर्स्ट ईयर का एकदम नया स्टूडेंट था, मेरे अलावा कोई ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आया हुआ था हॉस्टल में, और सीनियर्स भी सेमिस्टर ब्रेक में थे. तो मेरे को यही बताया गया था कि जब सब सीनियर्स आ जाएंगे और तुम लोग का भी सबका एलोकेशन हो जाएगा, तब असली इंट्रो असली गेम शुरू होगा. तो मेरे को लगा था कि जो चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे एकेडमिक्स के लिए, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा वो, तो इस वजह से. और साथ ही साथ इंट्रो क्या काफ़ी डरावने था रात में जो मेरे साथ जो हुआ था इंट्रो, वो मतलब अब रैगिंग दिस इज़ इन इट्सेल्फ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. किसी के लिए ये एक रैगिंग हो सकता है, किसी के लिए मजाक से क्या हुआ चीज़ हो सकता है. तो बेसिकली आप किस तरीके से बड़े हुए हो, कल्चरली सोशली बैकग्राउंड आपका क्या है, उस तरीके से आप रैगिंग को परसीव करते हो. तो मेरे साथ जो हुआ था इंट्रो में, वो मेरे को मतलब मेरे को ठीक ठाक लगा था, मेरे को वैसा कुछ बहुत हार्श नहीं लगा था. लेकिन मेरे को अंदाज़ा हुआ था कि जब पूरी तरीके से जो कि ज़्यादा सीनियर्स नहीं थे तब प्रेजेंट, जब सब सीनियर्स आ जाएंगे तो उसके बाद ये चीज़ हार्श हो सकता है, ऐसा पॉइंट तक जा सकता है जहाँ पर मतलब हो सके मैं नहीं ले सकूँ उस चीज़ को, मेंटली मैं नहीं प्रिपेयर कर पाया था अपने आप को. और जो कि मैंने पहले ही बताया था जादवपुर मेन हॉस्टल को लेकर मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा एक रोमांटिसिज्म था. तो इस देयर आर पीपल आल्सो हु हैव ऑलरेडी पास्ड आउट एंड स्टेइंग देयर. बेसिकली ये समझना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हॉस्टल का एक रूल है कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपना नाम
वो अपना डिपार्टमेंट और अपना ईयर नहीं बताते हैं, तो इस वजह से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा सीनियर आपसे जस्ट वन ईयर बड़ा है या फिर आप पूछ भी नहीं सकते ना। मैं पूछूंगा भी तो मेरे को आंसर नहीं मिलता है, मतलब उनको उनका दे आर ऑल दादाज एक्चुअली, दे आर ऑल दादाज, एवरीवन इज योर दादा। So, do you think that there should be a totally different system and the university should be more strict on the ragging thing? मेरे को बिल्कुल लगता है कि ये मतलब यूनिवर्सिटी को कुछ स्टेप्स नेसेसरीली उठाने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कैंपस को सेंसिटाइज करने का जो जिम्मेदारी है ये अथॉरिटी एवं स्टूडेंट्स दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं आसपास में सोसाइटी में रेप्स होते हैं, आसपास में सोसाइटी में लिंचिंग होता है, लेकिन इन सब के अगेंस्ट में किसी को काफ़ी कड़ा सज़ा देने के बाद भी ये सोसाइटी में होना बंद नहीं होता है। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ जिनने किया उनको जस्ट उनको पनिशमेंट दे दिया और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, दिस चेन विल नॉट ब्रेक, ये बस किसी कुछ दिनों के लिए नहीं होगा लेकिन उसके बाद फिर होगा। तो ये कल्चर को पूरी तरह से हटाने के लिए नया कल्चर अडॉप्ट भी करना पड़ेगा, नया कल्चर, अल्टरनेटिव कल्चर, जहाँ पर रैगिंग वर्ड नहीं रहेगा, जहाँ पर सीनियर सेंसिटिव होंगे, इतना सेंसिटिव होंगे कि जो एक बच्चा बाहर से आ रहा है वो किस तरीके से किस कल्चरली तरीके से वो बड़ा हुआ है, किस सोशियो बैकग्राउंड से वो आया हुआ है, इसको समझ कर, इसको अपने दिमाग में बिठा कर वो अपना बात रखेंगे, ताकि कोई हर्ट ना हो, ताकि किसी तरीके से किसी को लिंचिंग सहना ना पड़े, किसी को कोई कोई बॉडी शेमिंग का पार्ट ना होना पड़े, किसी को कोई जेंडर इनसेंसिटिव बात ना सुनना पड़े। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग चेक कर पाएँ बाय द हेल्प ऑफ बोथ अथॉरिटी एंड वी ऑल स्टूडेंट्स, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ मतलब धीरे धीरे चेक हो पाएगा, मतलब इट्स अ प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होगा, स्टूडेंट्स नहीं साथ ही साथ स्टाफ। दैट्स व्हाई यू रोट इन सोशल मीडिया व्हिच यू फेल्ट दैट यू शुड राइट। या That's why I wrote that thing in social media and और मेरे को ये नहीं लगता कि सिर्फ स्टूडेंट को सेंसिटाइज करना चाहिए, अथॉरिटी, प्रोफेसर, स्टाफ, स्टूडेंट, एवरी वन हु इज प्रेजेंट इन द कैंपस शुड बी सेंसिटाइज। सो दिस वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम हिम दैट ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जस्ट डन 3 days यू नो यूनिवर्सिटी लाइक स्वप्नदीप, वॉट ही हैड टू फेस इट्स एब्सोल्युटली अ दादागिरी बाय वन सेक्शन ऑफ सीनियर्स, दे आर नॉट इवन सेइंग दैट विच ईयर दे आर रिप्रेजेंटिंग एंड दे हैव टू रियली गिव एन इंट्रो ऑफ 2 hours एट नाइट एंड देयर ऑल्सो देयर वर वेरियस क्वेश्चंस विच वॉज जेंडर इनसेंसिटिव। सो स्पेसिफिकली दिस यू नो दिस यंग बॉय इज ऑल्सो आस्किंग for proper obviously this proper investigation and proper justice from the university authority. This is Komolika Sengupta with Anshuman Roy reporting for CNN News 18 from Jadavpur.